5 साल से मीडिया फील्ड में हूँ साहब। मुझे आज एक गरीब ऑटो ड्राइवर जो ओट्टापल्ली का सागिन है उसकी एक कंप्लेन आई थी कि गोशा महल सुनेना फाइनेंसर उसकी 6 ऑटो सीज पे कर लिया बोल के, और उसके कुछ हिसाब में गए तो 2.5 लाख रुपए देना, तो उसकी मिट्टी 5 लाख रुपए मार दिया बोल के फोन आने के आधे घंटे के बाद हमारी मीडिया टीम को लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट वेस्ट जोन में पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ ये हंगामा हुआ कि वो फाइनेंसर अपने आप को तेल या पेट्रोल क्या था कि डाल के जला लेने गया, तो हम बोले नहीं जला लेना बाबा, बोल के हम पकड़े तो तू चोर रिपोर्टर है रे, तू फाइनेंसर उसको करके आया बोल के मेरे पे अटैक, मेरा शर्ट खींचे मेरे पे अटैक करके मेरे को जो फाइनेंसर के कोई थे विनोद, विनोद बोल के नाम है उनका विनोद, और ऐसे लंबे बाल वाले थे हमारे पूरे मीडिया वालों को, अरे लिखा रहे तेरी अम्मा के तेरे बहन के गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे गालियां निकाले, और हमारे जब रिपोर्टर यहाँ स्पॉट पे पहुंचने पर हमारी बेइज्जती की, हमारे आइडेंटिटी कार्ड खींच के भर रहे तुम फेक रिपोर्टर होंगे इधर लाओ आइडेंटिटी कार्ड, बोल के हमारे पूरे आइडेंटिटी कार्ड पूरे लेके सेलेक्ट करके जब बाद में चेक करके बोल रहे नहीं तुम जुनून रिपोर्टर है तुम फेक रिपोर्टर नहीं है, इतनी बेइज्जती के बाद मैं कैसा रहूंगा साहब, मैं किसी का 1 रुपया मैं किसी का बाल भी तो बताऊँ, मैं इस साहब चाह रहा हूँ साहब, मैं कमिश्नर साहब महेंद्र रेड्डी साहब और DCP साहब हमारे सत्यनारायण साहब और DCP वेस्ट जोन हमारे वेंकटेश्वर साहब से ये हम इंसाफ चाह रहा हूँ कि ये फाइनेंसर और जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं उनके एक कॉर्डन सर्च होना सख्त से सख्त, ये ऑटो फाइनेंसर हो चाहे लैंड ग्रैबर हो इन पे जो आप लोग अच्छी काम कर रहे हैं ये 50% काम हुआ 100% काम नहीं हुआ साहब, अभी फाइनेंसर बाकी है जो गरीब आदमी रोड पर आकर अपनी बच्ची की शादी तक नहीं करके उन्हें हमारी कंप्लेन करा, तो हम किसी गरीब की मदद करना अगर फेक रिपोर्टर है तो हम कंप्लेन देने गए तो हमारी कंप्लेन नहीं ले रहे, उनकी कंप्लेन लेके बोल रहे हम गलत है, हम फेक रिपोर्टर है, हम चोर रिपोर्टर है बोल रहे साहब, हमारे को जो सुनेना फाइनेंसर के विनोद और उनकी पूरी टीम मिलकर उनको मार रहे साहब, पुलिस के हमारे आइडेंटिटी कार्ड खींच के हमारी कंप्लेन भी नहीं ले रहे साहब, अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब हमारे और हमारे कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, हमारे SHO श्रीधर साहब है उन्होंने बोल रहे हैं तू आया यहाँ क्यों आया तू, मैं बोला नहीं साहब मुझे कंप्लेन आने पर अगर मैं आया तो मुझे जेल में डालो, किसी की अगर शिकायत पर मैं अगर एक रिपोर्टर एक गरीब के हमदर्द बन के अगर आना गुनाह है तो मैं आज से कहीं नहीं जाऊँगा साहब, आप जहाँ बोले मेरे को जेल में डालो, तो उसके बाद सर्कल साहब अभी हमारे आइडेंटिटी कार्ड खींच के हमारा कंप्लेन भी नहीं लिया साहब, अभी कंप्लेन लिख के दियो मैं एक्शन लेता हूँ, कब करते साहब हमारी इतनी बेइज्जती हो गई हमारे रिपोर्टरों की, अभी वो आदमी मरने वाला उल्टा उसको बचाना कोई गुनाह है तो बोलो मैं गलत हूँ साहब, हम ये चाह रहे कि हमारे मीडिया रिपोर्टर्स की हमारी एक डिग्निटी हमारी होना चाहिए, हमारे रिपोर्टरों की एक अहमियत होना चाहिए, हम फाइनेंसर को अभी अरेस्ट करें, फाइनेंसर को अरेस्ट नहीं करें साहब, उन्होंने तो AC में सुकून से बैठे, हम मीडिया पर्सन को तो कोई वैल्यू नहीं है साहब यहाँ पे, फाइनेंसर तो सुकून से बैठ के हमारे को बोल रहा तू चोर रिपोर्टर है बोल रहा साहब, मैं चीज चाह रहा हूँ साहब, मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, मेरे को इंसाफ होना चाहिए, मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, आप लाइव देखिए इंसाफ चाहिए साहब मुझे।